Hello students, good morning to you all. Today I am going to make you understand about the important terms of heredity. We have already started this chapter. This is of class 10, Heredity and Evolution. In my first video, I made you understand about the story of Mendel and the contribution of Mendel in genetics and why he is called as the father of the genetics. आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इस चैप्टर में बार बार आएगा एंड देन इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ यू विल बी नोइंग द मीनिंग्स ऑफ ऑल दोज टर्म्स विथ डेफिनेशन तो हम At first, what we are going to talk? We are going to talk about or we are going to discuss about genetics. So obviously, all those terms will be from the genetics. So first definition is of genetics. What do we mean by genetics? So we can say that the study of inheritance or heredity and study of heredity and वेरिएशन स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसे हम क्या कहेंगे इसे जेनेटिक्स कहेंगे सो जेनेटिक्स एक ऐसी पढ़ाई है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी के बारे में वो अनुवांशिकता के बारे में वो हर कैरेक्टर्स जो हम अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है हमारे अंदर वो बातें करेंगे उसके बारे में जानते हैं एंड वेरिएशंस क्यों डिफरेंसेस आता है व्हाई वी आर नॉट ट्रू कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स व्हाई देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द सिबलिंग्स अगर एक ही भाई बहन है जिनके पेरेंट्स एक हैं फिर भी उनमें अंतर क्यों होता है वो लोग आइडेंटिकल क्यों नहीं होते हैं सो दिस वी आर गोइंग टू नो इन दिस सो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स एंड हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स जोहान ग्रेगर मेंडल Now heredity, what do we know about the heredity? Transfer of characters from parents to their offspring. So we can say that the transfer of characters from parents to offsprings. This is what is called heredity. इसे हम क्या कहते हैं इसे हेरिडिटी कहते हैं नाउ व्हाट इज देयर वेरिएशन राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू वेरिएशन यू कैन से दैट डिफरेंसेस बिटवीन सिबलिंग्स और हाँ यस ऑफस्प्रिंग्स और यू कैन राइट ऑफस्प्रिंग्स सो डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स व्हाई दिस इज सो दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ जीन्स दैट वुड ऑल्सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड So now what is their gene? What do we mean by gene? Ye gene hai kya? There are lots of genes present on our chromosome. Bahut sare genes hai hamare chromosomes ke upar. Lekin ye genes, inko hum define kar sakte hain. We can say that the unit of inheritance. Genes ko agar hume define karna ho, to hum keh sakte hain, genes are the unit of inheritance. Unit of inheritance means every gene is carrying some characters which are transferred from parents to offspring. Har gene ek character carry kiye hue hai jo ki transfer hota hai parents se offspring mein. Now what do we mean by alleles? Alleles. You know, actually this gene word was not given by Mendel. मेंडल ने ये वर्ड नहीं दिया था मेंडल ने बताया था एक सिंपल सी भाषा दी थी इसको बताया था फैक्टर्स मेंडल ने जीन को क्या बताया था फैक्टर्स बट इसी फैक्टर्स को जीन का नाम देने वाले जोहानसन हैं देयर इज वन रिसर्चर और यू कैन से साइंटिस्ट ही हैज गिवन द नेम जीन फॉर फैक्टर्स जोहानसन What is the name of that scientist? उनका नाम था जोहानसन उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि ये फैक्टर्स एक्चुअली जीन्स हैं सो वॉट डू वी मीन बाई देन वॉट इज दिस अलील्स अलील्स मीन्स वॉट अलील्स मीन्स फॉर्म्स ऑफ वी कैन से दैट अलील्स मीन्स वॉट फॉर्म्स ऑफ अ जीन अलील को हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ अ जीन एवरी जीन हैज टू अलील्स हर जीन में टू अलील्स हैं
ये हमेशा याद रखिएगा कि, और इसे ही हम फॉर्म्स ऑफ अ जीन, अलील्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ अ जीन, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स, बट ब्लड के केस में हम बातें करते हैं कि मल्टीपल अलील्स आर फाउंड इन केस ऑफ ब्लड, बट मोस्टली ज़्यादातर अलील्स के जो हैं वो टू फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे. सो वॉट आर दीज फॉर्म्स, वॉट आर दीज फॉर्म्स एंड हाउ कैन वी से, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल, आई कैन गिव यू दैट देर आर टू फॉर्म्स, दैट इज यू मस्ट हैव सीन, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एंड वॉट आर द फॉर्म्स, इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, ये दो फॉर्म्स हैं अलील्स, जीन्स के जो दो फॉर्म्स हैं जिन्हें हम अलील्स कहते हैं, वो है डोमिनेंट, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव. उसे हम डोमिनेंट कहते हैं एंड रिसेसिव कहते हैं. डोमिनेंट मीन्स विच इज सीन एंड रिसेसिव मीन्स विच इज मास्क्ड. मास्क का मतलब क्या, जो छुप जाए, ऐसे कैरेक्टर जो छुप जाते हैं पर छुपे हुए हैं उन्हें हम रिसेसिव कहते हैं, और जो दिख रहा है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं. और हर जीन में ये दो फॉर्म्स अलील्स के पाए जाते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. So now you understand, now I hope you understood this heredity, genetics, variation, genes, alleles, forms of genes called alleles. Now we are going to know about these forms of alleles. If, suppose you know, how do we show the characters present on genes? How do we show? We show like, agar hame batana hai, character is the height. Suppose if the character is the height, हमने character क्या लिया, height लिया. So now we have to show tall. Tall, what is the height? Tall. And this tall is what? This tall is dominant. This tall is dominant. So always remember that the dominant allele is written from capital letter. इसे हम कैसे लिखते हैं, capital से लिखते हैं. Okay? If we are talking about dwarf, what is the dwarf? Dwarf is another height. Don't forget. We are talking about the height. Height is what? Gene. Height is what? Character. And now we have taken the alleles, the forms of character. What are the forms of characters? The first form, as I have told you, always they have two forms, dominant and recessive. So dominant is always written by capital. And if we are talking about the same character, dominant and dwarf, then always remember that we will have to write with small letter, small t. अगर हम height की ही बात कर रहे हैं तो dwarf में हम d नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं. हमने dominant की बात की तो हमने capital T लिखा tall के लिए, तो हम dwarf के लिए small t लिखेंगे. And these both are denoting, ये दोनों बता रहे हैं height, plant के height के बारे में. Always remember. So if a gene is carrying, अगर कोई जीन डोमिनेंट, दोनों अलील डोमिनेंट कैरी कर रहा है तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस. What do we say? We say homozygous. What do we say? We say homozygous. What type of homozygous? Homozygous dominant. हम इसे कह सकते हैं homozygous dominant. हम इसे क्या कह सकते हैं? Homozygous dominant. Now, if wait, I'm just making you understand about this dwarfness and recessiveness. As I told right now, कि अगर कोई जीन जो है उसके दो फॉर्म्स हैं और पर ये दोनों फॉर्म कैपिटल हैं तो दिस इज डोमिनेंट एंड वॉट इट इज टोल्ड एज दे बोथ आर सेम, ये दोनों सेम अलील है तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस. वॉट डू वी से? होमोजाइगस. एंड इफ both the alleles are small, means what? Dwarf. Then what would we say? यहाँ भी हम इसे homozygous ही कहेंगे. इसे हम क्या कहेंगे? Homozygous. But homozygous what? Homozygous dwarf or homozygous recessive. Homozygous recessive. And this one was homozygous dominant. Homozygous dominant. This is what about homozygous I told you. If the gene is carrying, अगर जीन कैरी कर रहा है टू डिफरेंट अलील्स लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दो द प्लांट विल बी टॉल. अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो हमेशा याद रखिए प्लांट जो है वो डोमिनेंट ही होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा. एंड वॉट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर? दैट इज टॉलनेस.
What is that? Tallness. But what type of genes are there? Two different genes. This plant is carrying two different genes. So this is called heterozygous. What do we say? We say heterozygous alleles. They have heterozygous alleles. So what type of heterozygous alleles are there? Heterozygous dominant. Why we can say heterozygous dominant? Because dominant is seen. So heterozygous dominant. It's okay. So if we have come to know about this all, it means what? That phenotype and genotype is the next term. What is the next term? The next term is phenotype and genotype. Why do you know? Because this phenotype is related to the same. Same. Right now I was telling you, if the plant is capital T, both the alleles are capital, means what? The plant will be tall. The plant will be tall. Agar dono capital hai, to plant tall hoga. But if capital and small, both alleles are there, if the two forms of genes have both the characters, then also the dominant will be seen, plants will be tall. Plants will be tall. So what is the appearance of the plant? The appearance of the plant is tallness. Plant ka appearance kya hai? Tallness. So the physical appearance I'm talking about. Physical appearance ko hum kya kehte hai? Phenotype. The physical appearance is what called phenotype. But now if we talk about, so what is the phenotype? What is the ratio of phenotype? 2. Now if we go through the genetic ratio, what kind of genes are present? Then if you go through, then you'll see this is one type of gene and this is another type of gene. It is carrying heterozygous alleles they have. And they have homozygous alleles. So there are two different types of genes. So what would we write? The ratio will be 1:1. The ratio will be 1:1. This is called genetic makeup. This is what is called genetic makeup. So this is known as genotype. Isse hum kya kehte hain? Isse hum genotype kehte hain. So we can define phenotype as the physical appearance of the genes. Physical appearance. And genotype means what? Genetic makeup of the genes are called genotypic ratio. Now we need to know, what do we mean by cross? What is this cross? Crossing means what, do you know? Cross means when reproduction takes place between two types of plants. Not types, you can say two plants. When reproduction takes place between two plants, what it is known as? Crossing. Or two organisms. This is what is known as crossing. So now we have come to know many important terms of this chapter. Please go through it properly. And I'm sure if you are watching this video carefully, you'll be able to understand the whole chapter. Kyunki is pure chapter mein yahi sare terms use hote hain. Agar aap in sare terms ko samajh lenge ek baar, to aapke liye chapter ko samajhna bahut hi easy ho jayega. So please, if you understood it well, then I would request you, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, understood हो गया आपका, आप please इसको like करें, subscribe करें और comment लिखना बिल्कुल ना भूलें. And wait for my next video of the same chapter. Thank you all of you.